दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड की आ रही इस नए फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक मामूली सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, मेरा ये मामूली सा सवाल ये है कि भाई, इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक युग में, अगर OTT नाम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हालत क्या होती? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना जवाब जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों जिन फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज होना चाहिए था, उन फिल्मों को लेकर लगातार हम लोगों के सामने ये जानकारी आ रही है कि भाई, ये फिल्में अब बैक टू बैक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में ही विद्या बालन को लेकर ये जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि शेरनी बहुत जल्दी ही इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी जाएगी। और दोस्तों, फाइनली आज इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने रखकर इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हो 18 जून को। तो दोस्तों, कैसा है शेरनी का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी है भैया विद्या बालन की आने वाली फिल्म शेरनी से। तो दोस्तों, शेरनी का जब पोस्टर हम लोगों के सामने आया था तो भैया, इस पोस्टर को देखने के बाद ये बात तो समझ में आ गई थी कि विद्या बालन एक और बेहतरीन फिल्म लेकर आने वाली है सिनेमाघर में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने शेरनी के इस ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म में नज़र आने वाले कौन कौन से कलाकार हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित मासुकर ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, किशन कुमार, विक्रम मल्होत्रा और खुद इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि अमित मासुकर ने। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की। तो दोस्तों, इस फिल्म में नजर आ रही हैं विद्या बालन, विजय राज, नीरज कवि, इला अरुण, शरद सक्सेना, विजेंद्र काला। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के कलाकारों की। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इस फिल्म की कहानी को लेकर कुछ लोग अभी से ही ये प्रिडिक्शन करने लगेंगे कि भाई, इस टॉपिक पर तो हम लोगों ने कई सारी फिल्में देखी हैं, यानी कि भैया एक आदमखोर शेर या फिर आदमखोर जानवर जो है वो इंसानी इलाके में आ जाता है और वहां पर लोगों को मारने लगता है, अपना शिकार बनाने लगता है। उसके बाद हीरो की एंट्री होती है, वो उस आदमखोर शेर को मार देता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, तो आप बिल्कुल गलत हो। यानी कि भैया, कुछ आप सही हो लेकिन बाकी के पार्ट में आप पूरी तरीके से गलत हो। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया भैया कि एक आदमखोर शेरनी जो है वो इंसानी इलाके में घुस चुकी है और वो वहां पर इंसानों की हत्या कर रही है, यानी कि भैया शिकार बना रही है। यानी कि शेरनी को लेकर एक टैगलाइन भी दिया जाता है इस ट्रेलर में, जिसमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि शेरनी को पता ही नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। यानी कि भैया, इंसान जो हैं वो आजकल जानवरों के इलाके में पहुंच चुके हैं और उसके बाद इंसान ये चिल्लाते नजर आते हैं कि देखो, ये जानवर आदमखोर हो चुका है और इंसानों की हत्या कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि देखो, आदमखोर इंसान अब जानवरों के इलाके में आ चुके हैं। यानी कि भैया, ये जानवर अब जाएं कहां, इनको कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ प्लॉट है इस फिल्म का। यानी कि भैया, ये जो शेरनी है वो आदमखोर हो चुकी है और इस शेरनी को बचाने के लिए वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यानी कि भैया, कुछ लोग इस आदमखोर शेरनी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहीं पर विद्या बालन और उनकी जो टीम है वो इस शेरनी को इंसानों से बचा कर कहीं और ले जाना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच में, यानी कि इसी उहापोह में, एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद माहौल कुछ और हो जाता है। यानी कि भैया, आदमखोर शेरनी को मारने की जगह किसी और को निशाना बना लिया जाता है
भाई किसके द्वारा? तो भैया इस टीम के द्वारा। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि तीन प्लॉट पर ये फिल्म की कहानी चलेगी। अगर आप जब इस फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म की कहानी तीन ट्रैक पर चल रही है, यानी कि एक तरफ जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, इस आदमखोर शेरनी को मारना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो इस आदमखोर शेरनी को बचाना चाहते हैं, और तीसरी तरफ एक नया ट्रैक चालू हो जाता है जब वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से कुछ गलती हो जाती है और ये मामला एक अलग ट्रैक पर चला जाता है, पॉलिटिकल एंगल इस फिल्म में आ जाता है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर 18 जून को, तो नो डाउट ये फिल्म लोगों का दिल जरूर जीतेगी। तो दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ट्रेलर अच्छा है और ये फिल्म आपको जरूर अट्रैक्ट करने वाली है, और विद्या बालन एक बार फिर से अपनी बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से लोगों का दिल जरूर जीतेगी। और वैसे भी आपको बताऊं तो भैया इस फिल्म का जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सारे कलाकार मजे हुए कलाकार हैं, यानी कि हर एक कलाकार अपने एक्टिंग के माध्यम से पूरे फिल्म को बांध कर चलेगा, इसका उम्मीद मैं कर सकता हूँ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।